हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज अपने प्लांट के लिए मैं इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो घर पर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको ये बहुत ही प्यारे से गेंदे के फूल दिखा रही हूँ जो हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो कैसे ये नहा धोकर तैयार हो गए हैं। देखिए आप भी इनको, और बारिश का मज़ा ले रहे हैं। मज़ा तो ये ले रहे हैं पर इसमें काफ़ी सारे पौधों का नुकसान भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने एक बाल्टी ली है, उसके अंदर मैंने करीबन 10 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, ये हैं गोबर के उपले जो हमारे यहाँ जल्दी से नहीं मिलते हैं तो ये मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं। इन्हीं उपलों से मैं आज ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। ये फ्रेंड्स, मैंने दो उपले लिए हैं जिनको मैंने चार टुकड़ों में तोड़ लिया है, एक करके इनमें डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, एक एक कर कर इनके अंदर ये उपले डाल दिए हैं पानी के। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर ये मैंने 100 ग्राम के करीब सरसों खली ली है। फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ही आसानी से जहाँ बीज मिलते हैं वहाँ मिल जाएगी। ये पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, ऐसे ये केक में भी मिलती है। ये आपको 40 रुपए के करीबन एक किलो मिल जाएगी। इसको लाकर आप अपने प्लांट के लिए बहुत ही आसानी से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। इसको भी मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। और फ्रेंड्स, ये है हल्दी। ये हल्दी इसलिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, हल्दी से जो हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। हल्दी का वैसे भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इस फर्टिलाइज़र के अंदर मैं हल्दी भी डाल दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, इसके अंदर मैंने तीन चीज़ें डाल दी हैं अब। और फ्रेंड्स, मैंने ये गुड़ लिया है। ये पुराना गुड़ तो नहीं है पर मेरे पास जो गुड़ पड़ा हुआ था ये मैंने वो लिया है। लगभग ये मेरे पास गुड़ 50 ग्राम के करीब होगा। इसको भी मैं इस फर्टिलाइज़र के अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। फ्रेंड्स, गुड़ डाल देने से जो ये हमारा फर्टिलाइज़र है बहुत जल्दी बनेगा। और फ्रेंड्स, इसके अंदर एक मैं और चीज़ डालूँगी। और फ्रेंड्स, ये है गौमूत्र। फ्रेंड्स, ये मैंने शीशी बाज़ार से ख़रीदी है। ये शीशी मुझे 20 रुपए की मिली है। देखिए, ये थोड़ा सा ही गौमूत्र है पर मैं इसके अंदर इसको डालूँगी। इससे हमारा जो ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा ये बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो अलग से हो, जैसे कोई केमिकल उसके अंदर मिला हो। फ्रेंड्स, ये ये जो गौमूत्र है ये भी मैं इसके अंदर पूरा ही डाल दूंगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं सारा ये जो गौमूत्र है इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरीके से चला देंगे ऐसे। इसको फ्रेंड्स चलाने के बाद इसको मैं छाया वाली जगह पे रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, आप कोई भी खाद वगैरह कुछ भी बनाया है तो आप उसको शेडी एरिया में ही रखिए। अब ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैं लगभग 48 से 24 घंटे के करीब ऐसे ही छोड़ दूंगी। और ये जैसे फर्टिलाइज़र बनता रहेगा मैं अपने प्लांट में डालती रहूँगी। फ्रेंड्स, जितना इसमें से आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करोगे उतना से भी 4 गुना ज़्यादा आप पानी इसमें डालकर इस्तेमाल करिएगा तो आपके पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। आपको ये फर्टिलाइज़र के ऊपर वीडियो
पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। प्लीज़ फ्रेंड लाइक भी कर दीजिए। मैं जब भी किसी की वीडियो देखती हूँ उसको जरूर लाइक करती हूँ, तो आप भी जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।